ठीक है, पी एन रिवर्स बाइजिंग में पी से वो कनेक्ट होगा नेगेटिव से, और एन किसे कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव। यू हैव टू कनेक्ट एमीटर, एमीटर यह आएगा हमारे पास माइक्रोमीटर, ये पॉजिटिव नेगेटिव। देन यू हैव टू कनेक्ट वोल्ट मीटर, किस में आएगा हमारे पास सीरीज पैरेलल में, ठीक है, तो हमारे पास आएगा नेगेटिव आएगा हमारे पास पॉजिटिव, सभी कनेक्ट करते हैं। तो यूज हमें कौन सा करना है, 100 वोल्ट और 1000 माइक्रोएम्पियर, मतलब दोनों ऊपर से नीचे होना चाहिए, क्लियर। ये सप्लाई 0 to 1 वोल्ट नहीं यूज़ करनी में 0 to 100 वोल्ट, हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव, कहाँ रहेगा हमारे पास एमीटर पॉजिटिव, देन एमीटर नेगेटिव वेयर एन जंक्शन, देन फ्रॉम एन जंक्शन वोल्ट मीटर पॉजिटिव, देन वोल्ट मीटर नेगेटिव टू बैटरी, हाँ पी जंक्शन, देन पी जंक्शन पॉजिटिव, पी जंक्शन टू बैटरी नेगेटिव, क्लियर। नाउ यू हैव टू चेक, सो फ्रॉम 0.5 फ्रॉम 50 वोल्ट वी आर हैविंग ब्रेक डाउन, दिख रहा है यहाँ स्लाइटली चेंज है और यहाँ पर मैक्सिमम चेंज है, दिख रहा ना, देख यहाँ पर 50 के बाद हमारे पास अगर मैं एक यूनिट भी डिस्प्लेस करता हूँ यहाँ पे ज़्यादा है, फिर एक और यूनिट डिस्प्लेस करने पर वो तो पूरा ही आपका आउट हो जाएगा, क्लियर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पॉइंट, ब्रेक डाउन पॉइंट। लीस्ट काउंट वैसे निकालनी है आपको, देखो लीस्ट काउंट क्या निकले हमारे पास फॉर वोल्ट मीटर, हमारे पास वही हमारे पास 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 20, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। फॉर एमीटर क्या है हमारे पास 0 to 10, मतलब 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 10, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, यह 10/10 इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर, क्लियर। ये वोल्ट एमीटर के लिए हमारे पास। नाउ वी हैव टू टेक आउट द रीडिंग्स, रीडिंग क्या हमारे पास वोल्ट मीटर, देन यू हैव करंट वोल्टेज, करंट माइक्रो एम्पियर वोल्ट, नाउ वी हैव टू इंक्रीज इट स्लाइटली 0/0, देन वी हैव 10, वी आर हैविंग हाउ मच 6, देन वी आर हैविंग 20, देन वी आर हैविंग 13, 30, वी आर हैविंग 20, 40, वी आर हैविंग हाउ मच 22, 27, क्लियर। देन वी आर हैविंग 50, 36, फ्रॉम हियर क्या हुआ, मैं स्लाइडली चेंज करता हूँ मैं एक यूनिट, ठीक है, यहाँ हुआ है 52, कितना है हमारे पास 39, देन 54, हाउ मच वी आर हैविंग 45, 46, देन 56 आउट ऑफ द स्केल, मतलब ब्रेक डाउन हो गया 50 और सो ऑन।